हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग एक रोमांटिक ड्रामा मूवी का एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी की शुरुआत जेम्स नाम के एक लड़के से होती है, जो कि देर तक सोने की वजह से काफी लेट हो चुका था। जैसे ही उसकी आंख खुलती है, वो जल्दी से उठता है और अपने कॉलेज के लिए भागता है। कॉलेज में फिलोसफी की क्लास चल रही होती है। यहाँ एक टीचर है जिनका नाम जिमिट है। जैसे ही उसका टीचर जिमिट दरवाजे को बंद करने वाला होता है, तभी जेम्स यहाँ आकर दरवाजे के बीच में अपनी बुक को रख देता है, जिससे दरवाजा बंद नहीं होता है। इसके बाद जेम्स क्लास के अंदर आता है। यहाँ टीचर जिमिट स्टूडेंट्स को आज के टेस्ट के बारे में बताते हैं। वो कहता है, आज मैं तुम सभी का आईक्यू लेवल टेस्ट करने वाला हूँ। ये टेस्ट तुम्हारे सोच पर आधारित होगा। इस टेस्ट में तुम्हें सिर्फ इमेजिन करके सोचना है और मैं तुम लोगों के सोच के बेसिस पे ही तुम्हें मार्क्स दूंगा। अब तुम सभी लोगों को ये सोचना है, तुम लोग एक ऐसी जगह में फंस चुके हो जहाँ एटॉमिक ब्लास्ट हो रहे हैं। जहाँ पर तुम हो वहाँ कुछ ही देर में जहरीली गैस फैलने वाली है और तुम सभी लोगों की मौत होने वाली है। अगर तुम लोगों को जिंदा रहना है, तब तुम्हें एक साल तक एक बंकर में बंद रहना है। अब जो सिचुएशंस जिमिट ने स्टूडेंट्स को दी थी, सभी लोग उसी के मुताबिक सोचने लगते हैं। सारे लोग यहाँ आकर एक बंकर देखते हैं। यही इन लोगों को अपनी जान बचाने के लिए रहना था। यह बंकर अंदर से बहुत अच्छे से बना हुआ था। यहाँ इनके एक साल तक जीने के लिए बहुत से सामान थे। यहाँ वो अपने एक साल आराम से गुजार सकते थे। जिमिट क्लास में सभी स्टूडेंट से ये कहता है, मैं तुम लोगों का ऐसा टेस्ट इसलिए ले रहा हूँ ताकि अगर तुम फ्यूचर में कभी ऐसी सिचुएशन फेस करो, तब तुम आसानी से उसका सामना कर सको। और तुम लोगों को ये पता होना चाहिए कि ऐसे हालात में कैसे जिंदा रहते हैं। तभी जेम्स की गर्लफ्रेंड पेट्रा ये कहती है, मैं ये एक्सरसाइज नहीं कर सकती हूँ और मैं यहाँ से जा रही हूँ। तभी जिमिट उसे रुकने के लिए कहता है और वो कहता है, अगर तुमने सारे स्टूडेंट्स के साथ ये एक्सरसाइज की, तब मैं तुम्हें A+ मार्क्स दूंगा, और अगर तुम ये एक्सरसाइज नहीं करती हो, तब मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड जेम्स को फेल कर दूंगा। ये सुनने के बाद पेट्रा क्लास में रुक जाती है। इसके बाद जिमिट एक बॉक्स में से सारे स्टूडेंट्स को एक एक काट देता है, लेकिन पेट्रा और जेम्स को काट देने से पहले वो जोर जोर से खांसता है और वो अपने टेबल के पास जाता है। ये देखकर सारे स्टूडेंट्स को थोड़ा अजीब लगता है। इसके बाद वो सारे स्टूडेंट्स को ये बताता है, मैंने अभी अभी तुम्हें जो कार्ड दिया है, उसमें तुम्हारे प्रोफेशन लिखे हुए हैं। इस कार्ड को देखते हुए तुम लोगों को ये डिसाइड करना है कि कौन बंकर में जाएगा और कौन नहीं, क्योंकि तुम सब यहाँ 20 हो और बंकर में सिर्फ 10 ही लोगों के लिए जगह है। इसके बाद वो सभी को कार्ड में लिखे हुए प्रोफेशंस बोलने के लिए कहता है। जेम्स का प्रोफेशन एक किसान का था, वहीं पेट्रा एक इंजीनियर थी। सारे स्टूडेंट्स को हम लोग इमेजिनरी वर्ल्ड में देखते हैं। ये सारे लोग अपना अपना प्रोफेशन पढ़ के एक दूसरे को सुना रहे थे। आखिर में एक स्टूडेंट सभी को बताता है कि मैं एक पोएट हूँ। तभी जिमिट उसे गोली मार देता है और वो यहाँ सारे स्टूडेंट से ये कहता है, हमें इस सिचुएशन में एक पोएट की जरूरत नहीं है। पेट्रा को ये देखकर काफी बुरा लगता है। इसके बाद सारे स्टूडेंट्स की वोटिंग स्टार्ट होती है। जिसके ज्यादा वोट होंगे उसे बंकर में रहने के लिए जगह दिया जाएगा। वोटिंग खत्म होने के बाद 9 स्टूडेंट्स को बंकर में रहने के लिए सिलेक्ट किया जाता है। आखिर में जिमिट और एक लड़की बचते हैं और वो लड़की प्रोफेशन से एक ओपेरा सिंगर होती है। इन दोनों में से कोई एक ही बंकर में जा सकता था। जिमिट ने अभी तक इन लोगों को अपना प्रोफेशन नहीं बताया था, लेकिन यहाँ ज्यादा वोट जिमिट को मिलते हैं और ओपेरा सिंगर वोटिंग में हार जाती है। जो स्टूडेंट्स यहाँ सिलेक्ट हुए थे वो थोड़ी देर इस जगह में घूमते हैं, क्योंकि इसके बाद उन्हें पूरे एक साल के लिए बंकर के अंदर में जाना था। इधर पेट्रा और जेम्स बैठकर बातें कर रहे थे, तभी इन लोगों को गोलियां चलने की आवाज सुनाई देती है। यहाँ जाने पर ये लोग देखते हैं जिमिट ने उन सारे स्टूडेंट्स को मार दिया है जिन्हें कम वोट मिले थे। ये देखकर बचे हुए स्टूडेंट्स बहुत डर जाते हैं। पेट्रा यहाँ जेम्स से कहती है, जिमिट हम लोगों के साथ बंकर में रहने के लायक नहीं है, क्योंकि उसने बहुत से मासूम स्टूडेंट्स को मार दिया है। सारे स्टूडेंट्स जल्दी से बंकर के अंदर जाते हैं और जिमिट के अंदर आने से पहले ही वो लोग जल्दी से गेट को बंद कर देते हैं। इस बंकर को अंदर से एक कोर्ट की मदद से ओपन किया जा सकता था। रात में पेट्रा जब बंकर के गेट के पास आती है, तब वो बाहर जिमिट को देखती है, जो कि न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। मरने से पहले वो पेट्रा को एक पेपर दिखाता है, जिस पर ये लिखा था, एग्जिट कोड सिर्फ मुझे ही पता है। इसके बाद जिमिट यहीं पर मर जाता है। बाकी बचे हुए स्टूडेंट्स भी यहाँ आते हैं। वो सारे लोग ये डिस्कस करते हैं, हो सकता है जिमिट ने झूठ बोला हो, लेकिन इस बात की सच्चाई जानने के लिए उन्हें पूरे एक साल तक रुकना होगा, क्योंकि इससे पहले वो गेट ओपन करने की कोशिश नहीं कर सकते हैं। इसके बाद सारे स्टूडेंट्स बंकर के अंदर अपने दिन को गुजारने लगते हैं। पेट्रा रोज रात को गेट के पास आती थी और वो जिमिट की गली सड़ी लाश को देखती थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और अब इन्हें बंकर में रहते हुए पूरे एक साल हो चुके हैं। जेम्स आगे जाकर गेट को ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ उन्हें एक कोड चाहिए था जो कि उनमें से किसी को भी पता नहीं था। इसका मतलब ये है कि जिमिट सही बोल रहा था। सारे स्टूडेंट्स इस गेट को ओपन करने की कोशिश करते हैं और वो लोग अपने अपने हिसाब से इसे खोलने की कोशिश करते हैं। इसके बाद ये लोग गन से गेट में फायरिंग करते हैं, लेकिन ये सब करने के बाद भी ये गेट ओपन नहीं होती है। अब एक साल गुजर चुके हैं। एक साल गुजर जाने की वजह से अब उनका ऑक्सीजन सप्लाई भी खत्म हो चुका है और अब धीरे धीरे एक एक करके इन सभी स्टूडेंट्स की मौत होते जा रही थी। इसके बाद हम लोग क्लासरूम का सीन देखते हैं। यहाँ जिमिट स्टूडेंट से ये कहता है, जब भी तुम्हारे सामने ऐसे हालात हो, तब तुम्हें अपने जज्बात पर काबू रखनी होती है। एक स्टूडेंट यहाँ जिमिट से ये पूछता है, आपको एग्जिट कोड कैसे पता था?
तब जिमिट अपना प्रोफेशन कार्ड निकालकर सभी को बताता है। उस पर बंकर बिल्डर लिखा हुआ था। इसका मतलब ये था कि जिमिट ने ही उस बंकर को बनाया था। अब जिमिट इन लोगों को दूसरा एक्सरसाइज देता है। इस सेकंड राउंड में ये लोग एक ऐसे लोकेशन में पहुंचते हैं जहां सभी तरफ वोल्केनो निकल रहे थे और न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से दुनिया के सारे लोग मारे जा चुके हैं। सिर्फ ये स्टूडेंट्स ही बचे हुए हैं। इन्हें फिर से पूरे एक साल के लिए एक बंकर में रहना है और इसके बाद इन्हें फिर से इस दुनिया को बनाना है, यानी कि बहुत सारे बच्चे पैदा करना है। इसके बाद जिमिट बंकर के अंदर जाता है और एक गन को ले लेता है। इसके बाद सारे स्टूडेंट्स को फिर से उनके प्रोफेशन कार्ड दिए जाते हैं। इस बार भी जेम्स किसान था, लेकिन साथ ही साथ वो एक गे था, इसलिए वो किसी भी लड़की के साथ ना तो रिलेशनशिप बना सकता है और ना ही उन्हें प्रेग्नेंट कर सकता है। लेकिन फार्मर होने की वजह से जेम्स को बंकर के अंदर चुन लिया जाता है। बाकी के स्टूडेंट्स भी यहाँ अपना प्रोफेशन बताते हैं। इनमें से कुछ को सिलेक्ट कर लिया जाता है, वहीं कुछ को बंकर के लिए नहीं चुना जाता है। जिमिट फिर से इस बार पोएट को शूट कर देता है और वो सभी से ये कहता है, इस बार मैं पोएट बनूंगा। जिमिट को ऐसा करता हुआ देख सभी लोग बहुत डर जाते हैं और जिन्हें कम वोटिंग मिली थी वो लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। लेकिन थोड़ी ही दूर जाने के बाद वो लोग एक ज्वालामुखी के फटने से मर जाते हैं। अब जो भी स्टूडेंट्स यहाँ सिलेक्ट हुए थे वो लोग और जिमिट बंकर के अंदर जाते हैं। रात में पेट्रा जब जेम्स के पास जाती है तब वो देखती है जेम्स यहाँ एक जैक नाम के स्टूडेंट्स के साथ इंटीमेट हो रहा है, क्योंकि जेम्स एक गे था। पेट्रा को ये देखकर बहुत बुरा लगता है। जेम्स उसे समझाने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन पेट्रा उसकी बात नहीं सुनती है। इसके बाद हम लोग ये देखते हैं सारे स्टूडेंट्स एक जगह पर बैठकर ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि वो लोग किसे अपना पार्टनर चुने ताकि वो लोग फिर से दुनिया को बनाने के लिए बच्चे पैदा कर सके। कुछ ही देर बाद सारे स्टूडेंट्स अपने अपने पार्टनर चुन लेते हैं। आखिर में पेट्रा और जेम्स बच जाते हैं, लेकिन जेम्स उसका पार्टनर नहीं बन सकता था क्योंकि वो इस बार एक गे था। इसके बाद पेट्रा जिमिट के पास जाती है और वो उसे चुन लेती है। ये देखकर जेम्स को बहुत बुरा लगता है। इसी तरह इन लोगों को कई हफ्ते गुजर जाते हैं, लेकिन यहाँ कोई भी लड़की प्रेग्नेंट नहीं होती है। इसके बाद जिमिट इन सभी से ये कहता है, हमें अपने पार्टनर्स को चेंज कर लेना चाहिए, हो सकता है ऐसा करने से कोई लड़की प्रेग्नेंट हो जाए। लेकिन इनमें से एक लड़की ये बोलती है, ऐसा करना बिल्कुल गलत है और हम लोग अब तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनने वाले हैं। इसके बाद जिमिट गुस्सा होकर यहाँ से चला जाता है। थोड़ी ही देर बाद वो एक गन के साथ यहाँ वापस आता है। वो उस लड़की के अलावे बाकी सारे स्टूडेंट्स को यहाँ से जाने के लिए बोलता है। सारे लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन एक लड़का वहीं पर छुप जाता है। जैसे ही जिमिट उस लड़की को शूट करने वाला होता है, वो लड़का भागते हुए जिमिट के पास जाता है और वो जिमिट पर अटैक करके उस लड़की को बचा लेता है। यहाँ ये लड़का जिमिट को काफी पीटता है, जिसके वजह से जिमिट काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गेट के पास जाकर उसे ओपन कर देता है। ऐसा करने से वहाँ एक ब्लास्ट होता है और सारे लोग यहाँ फिर से मारे जाते हैं। इसके बाद हम लोग इन सभी को क्लास में देखते हैं। यहाँ जेम्स जिमिट से ये पूछता है, जब तुमने हमें कार्ड्स दिए थे तब तुम बार बार टेबल के पास जाकर बहुत जोरों से खांस रहे थे। जिमिट उससे कहता है, इसकी कोई खास वजह नहीं है। लेकिन जेम्स जिमिट की बातों पर यकीन नहीं करता है और जब वो कार्ड बॉक्स को चेक करता है तब वो देखता है यहाँ काफी सारे कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं। उस बॉक्स की मदद से कार्ड को आसानी से बदला जा सकता था और जिमिट ने खांसने का बहाना बनाकर उसके और पेट्रा का कार्ड बदल दिया था। इसके बाद जेम्स सभी से ये कहता है, जिमिट एक चीटर है और हम लोग फिर से इन एक्सरसाइज को करेंगे, लेकिन इस बार जिमिट को लीड नहीं करने दिया जाएगा। जिमिट जेम्स की बात को मान जाता है, लेकिन वो कहता है, इस बार तुम्हें फ्लोरिस बनना होगा। इसके बाद इन लोगों की थर्ड एक्सरसाइज शुरू होती है। ये सभी लोग अपने इमेजिनेशन में एक आइलैंड में जाते हैं। यहाँ पर एक एटॉमिक ब्लास्ट होने वाला है, इसलिए उन्हें सबसे पहले बंकर में जाना होगा। यहाँ पहुंचकर जिमिट सबसे पहले बंकर चेक करने का बहाना करता है और वो अंदर से एक गन उठा लेता है। उसके बाहर आने के बाद पेट्रा उसके पास आती है और वो उसे गले से लगाती है और वो यहाँ जिमिट की तारीफ भी करती है। इसके बाद वो सारे स्टूडेंट्स के पास आकर उनसे ये कहती है, इस बार मैं बिल्कुल ईमानदारी से वोटिंग करूंगी। अगर तुम सभी लोग मेरी बात मानना चाहते हो तब तुम लोग अपना हाथ उठाओ। तभी सारे स्टूडेंट्स अपने हाथ को उठाते हैं और जैसा पेट्रा कहती है वैसा ही करते हैं। इस बार पेट्रा ज्यादातर उन स्टूडेंट्स को चुनती है जिन्हें जिमिट रिजेक्ट कर दिया करता था। ये देखकर जिमिट पेट्रा से ये कहता है, तुम्हारी सिलेक्शन बहुत बेकार है। लेकिन अब पेट्रा को जिमिट की बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अब लास्ट में जेम्स और जिमिट बच गए थे जिनमें से एक को निकालना था। पेट्रा यहाँ जेम्स को चुनती है और वो जिमिट को रिजेक्ट कर देती है। ये देखकर जिमिट को बहुत गुस्सा आता है और जब वो अपनी गन निकालने की कोशिश करता है तब वो देखता है गन तो इसके बैग में है ही नहीं। तभी पेट्रा उसके पास आकर उसे उसकी गन देती है जो कि उसने जिमिट को हक करने के बहाने चुराई थी। इसके बाद जब वो जेम्स को शूट करने की कोशिश करता है तब इस गन में बुलेट्स नहीं थी क्योंकि उसे भी पेट्रा निकाल ली थी। अब पेट्रा उससे ये कहती है, ये तुम्हारा टेस्ट था। इस बार अगर तुम किसी भी स्टूडेंट्स को शूट करने की कोशिश नहीं करती तब मैं तुम्हें सिलेक्ट कर लेती, लेकिन तुम यहाँ रहने के लायक नहीं हो। इसके बाद वो उसे दो बुलेट्स देती है। वहीं इधर जेम्स अपनी राइफल जिमिट पर पॉइंट कर देता है। इस राइफल को उसने बंकर से ही ली थी। जिमिट इन लोगों से ये कहता है, तुम मुझे नहीं मारोगे, एग्जिट कोड सिर्फ मुझे ही पता है। तभी एक फीमेल स्टूडेंट्स कोड को बता देती है और वो कोड उसे उस वक्त पता चला था
जब सेकंड राउंड में जिमिट ने गुस्से में उस गेट को ओपन किया था। जिमिट ये देखकर बहुत शौक होता है और वो गुस्से में यहाँ से चला जाता है। पेट्रा अपनी जगह चिप्स को बंकर में भेजती है और वो सभी से ये कहती है, मैं इन सभी डिस्क्वालीफाई स्टूडेंट्स के साथ बोट में बैठ कर एक पास के आइलैंड में ही जा रही हूँ। लेकिन तभी चिप्स उससे ये कहता है, बोट की चाबी तो मेरे पास है। जब पेट्रा उसके पास उससे की लेने के लिए आती है, तब वो उसे बंकर के अंदर खींच लेता है और खुद बाहर चला जाता है। वो यहाँ गेट को भी बंद कर देता है। इसके बाद वो बाहर खड़े स्टूडेंट्स के साथ बोट में बैठकर दूसरे आइलैंड जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग बंकर के अंदर देखते हैं, जहाँ पेट्रा और काफी सारे स्टूडेंट्स हैं और सारे स्टूडेंट्स बंकर के अंदर खुशी खुशी रहने लगते हैं। अब इन लोगों को यहाँ रहते हुए फिर से एक साल गुजर चुका है। जब ये लोग बंकर से बाहर निकलते हैं, तब ये लोग देखते हैं अभी तक यहाँ कोई भी एटॉमिक ब्लास्ट नहीं हुआ है। तभी इधर क्लासरूम में जिमिट सभी स्टूडेंट्स से ये कहता है, अगर अभी तक आइलैंड में ब्लास्ट नहीं हुआ, तब तुम लोग ये मत समझना कि तुम सबकी जान बच जाएगी, क्योंकि तुमने अपने टीम में कारपेंटर को सिलेक्ट ही नहीं किया है, जो कि तुम्हें ऐसा घर बनाकर दे सकता था जहां तुम एटॉमिक रेडिएशन से बच सकते थे, और ना ही तुमने फार्मर को सिलेक्ट किया है जो कि तुम्हें नई नई चीजें खाने के लिए दे सकता था, और ना ही तुमने डॉक्टर को चुना है जो कि तुम लोगों का इलाज कर सकता था। इसलिए तुम सभी लोग कुछ ही दिनों में मर जाओगे, क्योंकि अब तुम लोग बंकर में भी नहीं जा सकते हो, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन सप्लाई खत्म हो चुकी है। इसके बाद हम लोग आइलैंड के किनारे पेट्रा को देखते हैं। वो यहाँ कहती है, मैंने ये फैसला अपने दिल से किया था ताकि मैं तुम सभी को सिलेक्ट कर सकूं। हम लोगों ने बंकर के अंदर बहुत अच्छा वक्त गुजारा है। अगर हम लोग इस राउंड में भी मरते हैं, तब मैं खुशी खुशी मौत को गले लगा सकती हूँ। कुछ ही देर बाद उन सभी के पास एक एटॉमिक बॉम्ब गिरता है। जेम्स उस बॉम्ब का बटन प्रेस करने ही वाला था, तभी हाथ में गन लिए हुए जिमिट यहाँ आ जाता है। जिमिट की हालत यहाँ काफी खराब हो चुकी थी। वो यहाँ हम सभी को ये बताता है कैसे उसने पूरा एक साल एक अंडरग्राउंड कैब में रहकर बिताया है। वो यहाँ कहता है, मैंने वहाँ ऐसी ऐसी मुश्किल चीजें देखी हैं जो कि तुम यहाँ रहकर इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। वो इन सबका जिम्मेदार जेम्स को ठहराता है और वो यहाँ जेम्स से ये कहता है, मेरी गन में अभी भी एक बुलेट बाकी है जो कि मैंने तुम्हारे लिए रखी थी। लेकिन तभी सारे स्टूडेंट्स जेम्स की जान बचाने के लिए उसके सामने आ जाते हैं। अब उनका इस आइलैंड पर रहने का कोई भी मकसद नहीं बचा हुआ था, इसलिए जेम्स उस बॉम्ब वाले बटन को दबा देता है और यहाँ ये सारे लोग मारे जाते हैं। इसके बाद हम लोग सारे स्टूडेंट्स को क्लास में देखते हैं। वो लोग यहाँ चिप्स से ये पूछते हैं, तुम पूरे एक साल तक उस आइलैंड पर क्या करते रहे। चिप्स इन लोगों से ये कहता है, मैंने बोट में बैठने के बाद ये इमेजिन किया कि मेरे बोट के सारे लड़के मर चुके हैं, और मैंने पूरा एक साल छह लड़कियों के साथ मौज मस्ती करते हुए बिताया है। इसके बाद जिमिट सारे स्टूडेंट्स को बुक सबमिट करके घर जाने के लिए कहता है। सारे स्टूडेंट्स ऐसा ही करते हैं, लेकिन पेट्रा यहीं पर रुक जाती है। इसके बाद वो क्लासरूम का डोर बंद करती है और वो जिमिट से ये कहती है, मुझे ये बात अच्छी तरह पता है कि तुमने जेम्स को हर बार गलत प्रोफेशन क्यों दिए, क्योंकि तुम उसे पसंद नहीं करते हो। तभी जिमिट उससे ये कहता है, जेम्स तुम्हारे लायक नहीं है, क्योंकि जिमिट पेट्रा को पसंद करता था। लेकिन पेट्रा उससे ये कहती है, मैं तुम्हारी कभी भी नहीं हो सकती हूँ, क्योंकि मैं जेम्स से प्यार करती हूँ। ये कहकर वो जिमिट को एक किस करती है। इसके बाद वो यहाँ से चली जाती है। इसके बाद जिमिट क्लासरूम में जाता है और वो यहाँ बैठकर अलग अलग तरह की पॉसिबिलिटीज को इमेजिन करता है, जिनमें से एक में वो पेट्रा को याद कर रहा था और वहीं दूसरे में खुद को गन से शूट कर देता है। जिमिट के इमेजिनेशन के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तब एक लाइक जरूर कर देना, और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।